दोस्तों, आप लोग आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने आपके अपने ऑल ट्रेवल्स पॉइंट इन इंडिया चैनल में दोस्तों। और आज हम आपको लेकर आए हैं ऐसी खूबसूरत जगह जो मुंबई में बहुत कम देखने को मिलती है दोस्तों। अक्सर देखने को तो मिल जाती है लेकिन दिखाते बहुत कम लोग हैं। तो आज ये गोवा जैसी जगह, आपको गोवा जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मुंबई में ही गोवा मना सकते हैं। यहाँ की खूबसूरती और यहाँ का सनसेट और सनराइज वाकई लाजवाब है। चलो इसको हर कोने से, इस कोने से उस कोने तक देखते हैं अपनी क्रिस्टीना के साथ में दोस्तों। क्रिस्टीना हमारी रानी जैसी है दोस्तों। चलो इसके साथ में घूमते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस बीच का नाम जो है, इसे गोवा बीच के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर आने के लिए आपको पहले भाईंदर आना पड़ता है। अगर आप बांद्रा से आ रहे हैं तो बोरीवली, मीरा रोड और भाईंदर वेस्ट में मैक्सिस मॉल आएंगे। मैक्सिस मॉल के बाद में उत्तन गांव आएंगे। उत्तन गांव पहुंचने के बाद, जी हाँ दोस्तों, ये गोराई बीच के नाम से ये जाना जाता है। आपको पीस चाहिए, शांति चाहिए, तो इस बीच पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत बीच ये आप देख सकते हैं। हम लोग बाइक से घूम रहे हैं यहाँ पर इस बीच पे। दोस्तों ये गोराई बीच अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है और हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे शॉट्स लिए हैं, सिनेमेटिक शॉट्स लिए हैं। उसमें आप म्यूजिक के साथ में आप उसका आनंद लीजिएगा। क्रिस्टीना समुद्र की लहरों को चीरते हुए आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत शॉट आ रहा है दोस्तों। और दोस्तों अब हम इस बीच की एक छोर से दूसरे छोर तक की खूबसूरती दिखाएंगे। ये हमारी क्रिस्टीना खड़ी हुई है, ये पूरा राउंड में किस तरह से लगता है। बहुत ही खूबसूरत, वाकई ये बीच बहुत ही खूबसूरत है, लाजवाब दोस्तों। अब हम आपको ये क्लोज शॉट्स में यहाँ पर जो आसपास रिसॉर्ट्स बने हुए हैं ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। यहाँ पर आकर आप स्टे कर सकते हैं जब भी आपका मन चाहे। समय समय पर यहाँ पर शूटिंग होती रहती है ताकि अगर किसी को गोवा में नहीं जाना है तो यहीं पर आकर पूरी शूटिंग यहाँ पर कर ली जाती है। और बहुत ही साइलेंट जोन है और बहुत ही इत्मीनान के साथ में आप अपनी शूटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, और इसको अब हम आपको करीब से ले जाकर दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती की तो बात ही कुछ और है। वाकई ऐसा लगता है कि बस देखते ही जाओ। हरियाली भी बहुत है, ये आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये अब हम आपको दूसरे छोर पर लेकर आ चुके हैं। यहाँ की खूबसूरती आप देख सकते हैं, देखते ही बनती है। ये आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये रिसोर्ट में सामने देखिए झोपड़िए जैसे डबल आप यहाँ पर प्रेमी जोड़े यहाँ पर बैठे हुए नजर भी आ रहे हैं। और यहाँ पर आकर आप पूरी फैमिली के साथ में अपना एंजॉय कर सकते हैं। और वाकई ही सनराइज से लेके सनसेट तक पूरा दिन आपको यहाँ पर कम पड़ जाएगा। इतनी खूबसूरत ये जगह है, बहुत ही बड़ा बीच है, वाकई ही बहुत ही खूबसूरत। यहाँ की खूबसूरती आप ये देख सकते हैं, बहुत ही देखिए आप सभी लोग ज्यादातर ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा लग रहा है वाकई ही। और ये बहुत ही अद्भुत, मैंने आज तक किसी बीच पर ऐसा नहीं देखा। ये सीप जो रहते हैं, सीप मोती
जो है ये पत्थरों के ऊपर किस तरह से देखिए चिपके हुए हैं। हमने इसको निकालने का प्रयास किया लेकिन ये खुद भी पत्थर बन चुके हैं दोस्तों। ऐसा अद्भुत नजारा मैंने आज तक किसी बीच पर नहीं देखा। प्रकृति की खूबसूरती वाकई ही लाजवाब है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत किस तरीके से एक दूसरे से चिपक कर ये खुद पत्थर में तब्दील हो चुके हैं दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत लाजवाब। दोस्तों सनसेट का समय हो चुका है और सूरज देवता अब ये दिन में वे पूरा कार्य करने के पश्चात रात में विश्राम के लिए जा रहे हैं। ये इस बीच की ये बहुत ही खासियत है दोस्तों। और चंदा मामा को सूरज देवता बस भेजेंगे, थोड़ी देर के पश्चात हम एक बार फिर से आपको इसकी स्पीडली सैर कराते हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको ये बीच, दिल से बोलिएगा। भाई मेरी इच्छा थी, मैंने गोवा भी बहुत बार देखा है, अगर आप मुंबई में आ जाते हैं ना दोस्तों और इस बीच को देख लेते हैं तो रियली बोल रहा हूँ आपको गोवा जाने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर ज्यादा पैसे हैं तो फिर यार यूरोप क्या, यूएसए क्या, किधर भी जा सकता है इंसान। लेकिन अगर इंसान के जीवन में सब्र है, सुकून है, मन को अगर शांत करना है कि अरे यार ठीक है जो भी है, अपने आप को दूसरे को देख के अपने आप को परेशान नहीं करना है। जिंदगी में अगर किसी दूसरे ने बड़ी गाड़ी ले ली तो मैं क्यों परेशान हूँ भाई। मुझे अपने आप में खुश रहना है, ईश्वर ने मुझे जो दिया है उसमें संतुष्ट रहना है और जिंदगी इसी का नाम है देख, क्योंकि वो ईश्वर अल्लाह जीजस सभी के साथ में रहता है और जो ईश्वर के करीब रहता है उसको जिंदगी में सारी खुशियां खुद ब खुद मिलती चली जाती है। बस आप किसी का बुरा ना करें, गुस्सा ना करें, इसीलिए अच्छा इंसान बनिए। अच्छा इंसान अगर आप बनेंगे तो अच्छे इंसान के हृदय में अच्छा मन अच्छा तन निवास करता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर इस तरह के अच्छे वीडियोस आप मुंबई के देखना चाहते हैं तो उसको शेयर भी कीजिए ताकि जो व्यक्ति जो इंसान मुंबई में ना आया और वो घर बैठ के अगर मुंबई देख सकता है तो अच्छी बात है ना। हम किसी को खुशियां दे रहे हैं, अगर खुशियां देना सबसे बड़ी बात है दोस्तों। और दोस्तों हम अपने चैनल में ऑल ट्रेवल्स पॉइंट इन इंडिया में ज्यादातर ये चाहते हैं कि इंसान फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड सारी बातों की जानकारी ले ले, उसके पश्चात ही वो मुंबई शहर में आए ताकि उसका पैसों का वेस्टेज ना हो और उसके घर वाले परेशान ना हो। अगर आप अरबपति खरबपति हैं तो आप कल ही आ जाइए मैं तो कहता हूँ, लेकिन अगर आप एक साधारण परिवार से हैं दोस्तों तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, सारी चीजें पहले सीख लीजिए। आज की डेट में सोशल मीडिया आपको इतने आगे लेकर जा सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। हमने तो न जाने कितने सीरियलों और फिल्मों में कार्य किया, लेकिन फिर भी कहते हैं ना जीवन में संतुष्टि तब ही होती है जब इंसान ईश्वर के करीब रहता है। आज हम ईश्वर के करीब रहते हैं तो सारी चीजें आनंद में लगती है। तो अपने आप को निराश ना कीजिए, ईश्वर के करीब रहिए। तो दोस्तों गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ही।